हम बात कर रहे हैं आयोयामा के बारे में, एक ऐसा लड़का जिसे पता नहीं क्यों पर गंदगी से काफी ज्यादा डर लगता है। उसके इस डर ने उसे एक साफ रहने वाले संकी इंसान के रूप में बदल दिया है। चाहे तुम कुछ भी करो पर उसे ना तो छूने की कोशिश करो ना ही कोई चीज देने की कोशिश करो, क्योंकि ऐसा करने पर वो या तो तुम्हें चकमा दे देगा या फिर नजरअंदाज करके वहाँ से चला जाएगा। उसे सच में गंदा होने से काफी डर लगता है। अब ऐसा नहीं है कि आयोयामा केवल साफ सफाई में ही अच्छा है, वह एक बेहतरीन फुटबॉलर भी है। वह जापानी अंडर 16 के युवा टीम का हिस्सा है। विश्व स्तरीय मैच में कॉर्नर मिलने पर वह बहुत ही खूबसूरती से एक गोल मारकर अपने टीम को बेहतरीन जीत दिलाता है। उसे केवल गुड प्लेयर कहना सही नहीं होगा, वह एक अद्भुत खिलाड़ी है। हालांकि जीत की खुशी में जब उसके टीममेट्स जश्न मनाने के लिए उसके ऊपर कूदते हैं तो वह उन सभी को डॉच करने लगता है ताकि उनकी वजह से वह गंदा ना हो जाए। अंडर 16 यूथ टीम में होने के बावजूद वह जापान के एक बिल्कुल ही सामान्य स्कूल में पढ़ने जाता है, फुजुमी हाई स्कूल में। वह शायद ही वहाँ किसी से बात करता हो पर एक अजनबी इंसान भी बता देगा कि उसने अपने स्कूल में सेलिब्रिटी का दर्जा प्राप्त किया हुआ है। जब भी वो कहीं पर कुछ गंदा देखता है तो उसके अंदर तुरंत उसे साफ करने की इच्छा होने लगती है। उसे साफ करके वो खुद को भी साफ करने लग जाता है। बाकी स्टूडेंट्स झुंड बनाकर उसे ऐसा करते हुए देखते रहते हैं। उसकी ऐसी हरकतें उन्हें काफी इम्प्रेस करती है। लड़कियां तो लड़कियां, लड़के भी उसके प्रेजेंस पर काफी ज्यादा आकर्षित होते हैं। एक फुटबॉल प्लेयर होने के कारण खुद को साफ सुथरा बनाए रखना काफी कठिन काम है, पर फिर भी आयोयामा किसी तरह इसे मेंटेन कर ही लेता है। हाँ, पर कभी कभी दूसरे प्लेयर उसे छूने में कामयाब हो ही जाते हैं। हालांकि टीम के सभी मेंबर उसके फैन हैं, पर एक लड़का जिसका नाम कोयोरू है, उसे आयोयामा का ऐसा स्वभाव बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वह मानता है कि आयोयामा का ऐसा स्वभाव बहुत ही आपत्तिजनक है, लेकिन उनकी कोच जिसका नाम मीवा है, वो मानती है कि भले ही आयोयामा का स्वभाव कैसा भी हो पर उसमें स्किल्स इतनी ज्यादा है कि ये उसकी सारी कमियों को भर देने के लिए पर्याप्त है। रात को जब कोयोरू क्लब की तरफ जा रहा होता है तो कोयोरू देखता है कि एक लड़की दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही है और शीशे से अंदर झांक रही है। कोयोरू को देख वो लड़की वहाँ से भाग जाती है, लेकिन जब कोयोरू कमरे में झांकता है तो यह देख चौंक जाता है कि आयोयामा सारे फुटबॉल्स की सफाई कर रहा होता है। उसकी सफाई से वे फुटबॉल्स केवल साफ ही नहीं बल्कि नए और ज्यादा चमकदार दिख रहे थे। तभी कोच मीवा भी वहाँ पर आ जाती है और कोयोरू को बताती है कि आयोयामा ऐसा रोज करता है। अगले दिन ओशिगामी मिनामी हाई स्कूल की टीम का कैप्टन उनके स्कूल में आता है। उसका नाम अकीरा ताकेशी है। वह भी जापान के अंडर 16 यूथ टीम का हिस्सा है। बाकियों की तरह वह भी आयोयामा का बड़ा फैन है और वह चाहता है कि आयोयामा उसकी टीम से खेले, पर आयोयामा इसे थैंक यू कहते हुए इनकार कर देता है। वह किसी भी कीमत में फुजुमी हाई स्कूल को नहीं छोड़ सकता। थोड़ी सी बातचीत के बाद आखिर में ताकेशी उसकी टीम को अपने स्कूल के साथ फुटबॉल मैच खेलने के लिए चैलेंज करता है। वह आयोयामा को यह एहसास दिलाना चाहता है कि उसकी स्कूल टीम कितनी बेकार है। मैच शुरू होती है और कुछ ही क्षणों में ताकेशी की टीम एक गोल मार भी देती है। गोल मारने के बाद ताकेशी आयोयामा के सामने अपने एप्स को हिलाते हुए सेलिब्रेशन करने लगता है, पर आयोयामा के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आता। जैसे ही उसे बॉल मिलती है वह काफी बेहतरीन तरीके से लोगों को छकाते हुए एक बेहतरीन गोल मार देता है। उसके इस शानदार गोल को देख दर्शक तो दर्शक उसके टीम मेंबर भी काफी ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं और खुशी मनाने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। बेचारा आयोयामा उनसे बचते हुए और भी ज्यादा तेज गति से भागने लगता है। इधर ताकेशी डिसाइड करता है कि उनकी टीम को अब खेल की रणनीति चेंज करनी होगी। ऐसा कहते हुए वो फिर से अपने एप्स को हिलाने लगता है। सेकंड हाफ शुरू होता है और ताकेशी की टीम अपने नई स्ट्रेटेजी को अप्लाई करने लगता है, जो कि था आयोयामा को घेर कर रखना ताकि उस तक बॉल ना पहुंच सके। वे जानते हैं कि आयोयामा के बिना उनकी टीम कुछ नहीं कर सकेगी और होता भी वैसा ही है। उनकी टीम काफी गंदा खेलने लगती है, इतना बुरा कि जब कोयोरू के सामने बस केवल कीपर ही होता है तो भी वो सीधे पोस्ट पर गोल नहीं मार पाता। पर कोयोरू के साहस की दाद देनी होगी, इतने पर भी वह अब भी आयोयामा की आलोचना करना नहीं छोड़ता। तभी मैच के दौरान अचानक बारिश शुरू हो जाती है और पूरा ग्राउंड कीचड़ से भर जाता है। ताकेशी की टीम अभी भी एक गोल से आगे थी, पर आयोयामा अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलना चाहता क्योंकि इससे उसके चकाचक जूते गंदे हो जाएंगे। मैच खत्म होने को अब केवल 5 मिनट बाकी है। अपनी टीम लीड में है पर अभी भी आयोयामा अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिलता। पर तभी दोस्तों द्वारा उसे गेम का इम्पोर्टेंस समझाने पर आयोयामा गंदगी के डर को भुलाकर वापस गेम में आ जाता है, क्योंकि वह गंदगी से भी ज्यादा हारने से नफरत करता है। गेम में वापस आते ही वह बॉल के साथ अपनी करामातें दिखाने लगता है और एक गोल मारकर स्कोर लेवल कर देता है। तभी तुरंत ही वह एक और गोल मारकर टीम को जीत की ओर ले जाता है। उसके इस करामात को देख सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और पहले की तरह सेलिब्रेट करने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं। पर आयोयामा
फिर से उनसे बचने के लिए उनसे भी तेज भागने लगता है। वापस बात करें उस लड़की की जो कि चोरी से क्लब में घुसने की कोशिश कर रही थी, तो उसका नाम मोकोगोटो है और वह प्राइमरी स्कूल के दिनों से ही आयुयामा को काफी ज्यादा प्यार करती थी। प्राइमरी स्कूल की उसकी यादों ने गोटो की जिंदगी को ही बदल दिया है और उसे आयुयामा का एक स्टॉकर बना दिया है। जब भी आयुयामा कमरे में सफाई कर रहा होता है तो वह उसे चुपके से देखती है और जब कोई कमरे में नहीं होता तो वह चुपके से अंदर घुस जाती थी। जब टीम क्लब रूम में वापस आती तो उन्हें यह कमरा काफी साफ और चमकता हुआ दिखता। ये तो इनके लिए कॉमन था, लेकिन जब वे अपना लॉकर खोलते हैं तो पाते हैं कि उनके कपड़े भी काफी साफ और चकाचक हैं। उन्हें लगता है कि ये जरूर आयुयामा का काम है। इस पर आयुयामा कहता है कि वो मर जाएगा लेकिन उनके गंदे कपड़ों को कभी नहीं छुएगा और यह कोई एक बार नहीं बल्कि बार बार होती रहती है। इसे देख लड़के ऐसा तर्क देने लगते हैं शायद यहाँ कोई परी आती होगी जो कि उनके कमरे के साथ उनके कपड़ों को भी साफ कर देती है। लेकिन आखिरकार एक दिन आयुयामा उनके कमरे में किसी को पकड़ ही लेता है और वो कोई और नहीं बल्कि वही लड़की गोटो है। वो गोटो ही थी जो कि क्लब रूम के कमरों और कपड़ों की साफ सफाई करती थी। खुद के पकड़े जाने पर गोटो ऐसा महसूस करती है मानो उसकी चोरी पकड़ी गई है, लेकिन जब आयुयामा उसके पास आता है तो उसे डांटने या थैंक्स कहने के बजाय उल्टे उसे एक अच्छी सी डिटर्जेंट रिफर करता है, यह कहते हुए कि यह डिटर्जेंट उसके काम को और अधिक साफ और सुंदर बनाएगा। डिटर्जेंट को रिफर करने के बाद वह उस लड़की को उसके नाम से पुकारता है। इसे सुन गोटो चौंक जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि आयुयामा जैसे फेमस लड़के को उसका नाम भी याद है। इसे सुन उसके आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। लेकिन तभी क्लब के बाकी मेंबर भी वहां पर आ जाते हैं। वे यह देखकर बिल्कुल खुश नहीं है कि आयुयामा यहां किसी लड़की के साथ है, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि यह वही लड़की है जो उनके क्लब रूम को साफ करती है तो अचानक उनके सुर बदल जाते हैं। टीम का कैप्टन गोटो के पास आता है और उसके काम से खुश होकर उसके समक्ष क्लब का मैनेजर बनने का प्रस्ताव रखता है। इसे सुन वह काफी ज्यादा उत्साहित हो जाती है और इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लेती है। गोटो के आयुयामा को स्टॉक करने की बात पूरी जगह फैल जाती है, पर यह बात इतनी कॉमन थी कि लोग उसे आसानी से भूल भी जाते हैं। वैसे भी आयुयामा को कौन नहीं देखना चाहता होगा। अगले दिन जब आयुयामा क्लब में नहा रहा होता है तभी उसके टीममेट में से एक लड़का साहस जुटाकर उसके तौलिये पर झपट पड़ता है और उसके महक का आनंद लेने लगता है। गंध इतनी अच्छी थी कि वह उसे छोड़ना नहीं चाहता बल्कि और जोर से अपने नाक में दबाने लगता है। दोस्तों के पूछने पर वह बताता है कि यह सुगंध कुछ ऐसा है जिसके लिए उसके पास कोई शब्द ही नहीं है। यहाँ तक कि वह इसके बारे में ट्विटर पर पोस्ट भी कर देता है। यह बात इतनी तेजी से फैलती है कि अगले दिन हर कोई आयुयामा के बारे में अपनी राय की परवाह किए बिना उसके प्रैक्टिस सेशन को देखने के लिए पहुँच जाता है। वास्तव में वो यहाँ उसके प्रैक्टिस को देखने नहीं आए हैं बल्कि वो तो इस ताक पर है कि किसी तरह उन्हें उसके तौलिये को छीनने का मौका मिल जाए ताकि वो भी उस खुशनुमा गंध का आनंद ले सके। ग्राउंड में पूरी तरह से क्योटिक माहौल बन जाता है, लेकिन सौभाग्य से वहाँ उनके क्लब की नई मैनेजर गोटो मौजूद है जो कि किलो से भरी हुई अपनी बैट को लेकर आयुयामा की सुरक्षा के लिए तैयार है। लेकिन क्राउड इतना ज्यादा है कि उसे खड़े होने का मौका ही नहीं मिल पाता। आयुयामा किसी तरह से सभी को डॉच करने की पूरी कोशिश करने लगता है, पर तभी कोयोरु गुस्से से चिल्लाते हुए सभी को वहां से दूर भगा देता है। कोयोरु की इमेज ही कुछ ऐसी है कि कोई भी उससे पंगा नहीं लेना चाहता। हालांकि जब कोयोरु क्लब रूम में अकेला होता है तो उसे भी यह जानने की इच्छा होती है कि आखिर आयुयामा के तौलिये पर ऐसा क्या है जिसके लिए सभी लोग पागल हुए जा रहे हैं। वह अपनी इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए तौलिये को उठाता है और उसे सूंघने लगता है। इसे सूंघते ही कोयोरु मानो एक अलग ही दुनिया में चला जाता है। उसे अपने माँ के साथ बिताए हुए बचपन के दिन याद आने लगते हैं। उसके लिए यह मेमोरी बहुत ही सुखद और दुर्लभ थे। वह भी आंखों से आंसू बहाते हुए इसका आनंद लेने लगता है, पर तभी आयुयामा भी वहाँ पर पहुँच जाता है। कोयोरु को इस स्थिति में देख वह काफी चौंक जाता है। आयुयामा को कमरे में देख कोयोरु भी काफी हड़बड़ा जाता है। वह उसे समझाने की कोशिश तो करता है पर आयुयामा उसे दूरी बना लेता है और कहता है कि अब उसे उस तौलिये की जरूरत नहीं है, वह उसे जला दे। अगले दिन फुजिमी हाई स्कूल के इस सेशन का पहला ऑफिशियल मैच है। यह मैच ताकाता एकेडमी के खिलाफ है। बेशक उनके पास आयुयामा के रहते हुए जीतने का कोई चांस ही नहीं है, लेकिन उनके कैप्टन की गर्लफ्रेंड जिसका नाम काना है वह आयुयामा के क्लीनिंग हैबिट के बारे में जानती है। हर बार की जब आयुयामा अपने सामानों को क्लीन कर रहा होता है तभी काना उसके पास आती है और उसे सफाई में उसकी हेल्प करने की बात करती है। वैसे तो आयुयामा अपने सारे काम खुद से ही करने को प्रिफर करता है, लेकिन यह काना द्वारा बनाया हुआ एक ट्रैप था जिस पर वह फंस जाता है। कमरे के अंदर जाते ही वह अंदर से कमरे का दरवाजा बंद कर देती है और आयुयामा को अंदर ही फंसा लेती है। इधर गेम शुरू होने का समय हो चुका था। आयुयामा की गैर मौजूदगी में टीम को गेम शुरू करना ही पड़ता है। वहाँ का बच्चा जानता है कि आयुयामा के
बिना टीम कुछ नहीं कर सकती। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। इधर आयोयामा बातों से मामले को सुलझाने की कोशिश में लग जाता है। वास्तव में उसके पास एकमात्र यही तो एक उपाय था। वो चाहकर भी उसे धक्का देकर वहाँ से बाहर नहीं निकल सकता था, क्योंकि इसके लिए उसे काना को छूना पड़ेगा, जो कि वो कभी नहीं कर सकता। इधर काना अपने ट्रैप को एक और स्टेप आगे ले जाती है और अपने कपड़े उतारने लगती है, ताकि अगर कोई गलती से दरवाजा खोल दे तो उसे ऐसा लगे मानो आयोयामा काना का फायदा उठा रहा है। यह काना का काफी क्लेवर मूव था, पर आयोयामा उतना भी बेवकूफ कहाँ। वह झट से नीचे गिर जाता है और बेहोश होने का नाटक करने लगता है। इसे देख काना चौंक जाती है। उसे आयोयामा के ऐसे मूव का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, हालांकि वो किसी और को भी काफी कम करके आंक रही थी। मैं बात कर रहा हूँ हमारी प्यारी और साइकोटिक क्लब की मैनेजर गोटो की। हमें पता चलता है कि उसने आयोयामा को ढूंढने के लिए पूरे बिल्डिंग की छान मारी, जब तक कि उसे आयोयामा नहीं मिल गया। वो अपने कांटों वाली बैट लेकर काना को डराकर वहाँ से भगा देती है। अब जबकि आयोयामा बचा लिया गया है, तो वह सीधे मैच खेलने नहीं जाकर कमरे की सफाई करने लग जाता है और फिर गेम खेलने के लिए चला जाता है। वह लगभग 15 मिनट के लिए खेलता है और अकेले ही 4 गोल मारकर टीम को जीत दिला देता है। आगे हमारा परिचय एक और लड़के से कराया जाता है, जो कि सफाई के मामले में बिल्कुल आयोयामा जैसा ही था। उसका नाम सियोन नारिता है। और जबकि हर कोई आयोयामा के बारे में जानता था, पर सियोन अपनी इस सफाई वाली हैबिट को सभी से छुपाता था। वह खुश है कि किसी को उसके तरीकों के बारे में नहीं पता है, जबकि आयोयामा और नारिता को खुद भी यह नहीं पता कि वे दोनों सेम आरपीजी गेम खेलते हैं, जहां वे एक दूसरे को छूते हैं और वो सब कुछ करते हैं जो कि वो वास्तविक जीवन में नहीं कर सकते। खैर जो भी हो, पर एक दिन नारिता का यह स्वभाव उसे एक दिन एक बड़ी मुसीबत में डाल देता है, जब एक लड़की स्टूडेंट की पीई क्लास की यूनिफॉर्म उसके लॉकर से चोरी हो जाती है। अब क्योंकि नारिता बिल्कुल शांत रहता था, तो सभी को उसी पर शक करने लगते हैं। जब नारिता को इस बात का पता चलता है, तो वो वहाँ से भागने लगता है और सभी उसका पीछा करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वो इसलिए भाग रहा है क्योंकि चोर वही है, लेकिन वास्तव में वो तो इसलिए भाग रहा था ताकि लोगों के साथ फिजिकल कांटेक्ट ना हो जाए। पर सौभाग्य से तभी वहाँ आयोयामा उसकी डर्टी यूनिफॉर्म बैग के साथ प्रकट हो जाता है और सभी से कहता है कि नारिता कभी भी ऐसी गंदी चीज को कभी नहीं छुएगा। इसे देख सभी को अपनी गलती का एहसास होता है और वे नारिता से माफी मांगते हैं। पर नारिता इस बात से सरप्राइज्ड हो जाता है कि आयोयामा को उसकी सफाई संबंधी राज का कैसे पता चला। अब फुजिमी हाई स्कूल का अगला गेम काफी करीब है। इस बार यह मिनामाटा फिजुको हाई स्कूल के खिलाफ है। अच्छा, क्या आपको पता है वह आदमी जिसने सबसे पहले आयोयामा के टॉवल को टच किया था? उसका नाम है जिन सुकुमोतो। वह क्लास के एक जोकर की तरह है, लेकिन मानो या न मानो उसके पास एक खास तरह का टैलेंट है। वह यह है कि वह अपने पिछवाड़े के दोनों गालों से काफी अच्छी तरह से बॉल को जगलिंग कर सकता है। भले ही उसका परफॉर्मेंस टीम के मनोबल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि उसका मुकाबला मिनामाटा फिजुको हाई स्कूल के साथ है, तो वो काफी कमजोर पड़ जाता है। वह उस स्कूल के कैप्टन को भी पहचानता है। वास्तव में मिडिल स्कूल के दिनों में वह उनकी टीम का ही हिस्सा था, लेकिन कैप्टन और बाकी टीम के मेंबर ने उसके साथ इतना बुरा बर्ताव किया कि उसके पास स्कूल छोड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। अब वह अपने पुराने टीम के खिलाफ खेल रहा है। मैच के दौरान जिन काफी नर्वस हो जाता है, इतना कि वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता। उसके स्थिर रहने से डिफेंस इतना वीक हो जाता है कि ऑपोजिशन टीम हाफ टाइम में ही एक गोल मारकर बढ़त बना लेती है। जिन इतना घबराया हुआ है कि वह खुद को वॉशरूम में बंद कर लेता है। वह जानता है कि वह टीम को हार के कगार पर ले जा रहा है। वह चाहता है कि उसकी जगह पर कोई सब्स्टिट्यूट टीम में खेले, लेकिन तभी वह आयोयामा को वहाँ वॉशरूम को क्लीन करते हुए देखता है। आयोयामा जिन से कहता है कि अतीत पर ध्यान देने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब वह पुराना जिन नहीं रहा। अब वो इंसान है जिसको टीम की जरूरत है, जिस पर टीम भरोसा करती है। यह बात जिन को अंदर तक छू जाती है। ओपोजिशन टीम आयोयामा को पूरी तरह से घेर लेती है, पर आयोयामा विरोधियों को चकमा देते हुए जिन को एक सुंदर सा पास दे देता है। जिन भी इस अपॉर्चुनिटी का सही तरह से फायदा उठाता है और अपने सबसे शक्तिशाली टैलेंट का यूज करते हुए एक गोल मार ही देता है। उसके इस गोल को देख सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। आखिर में फुजिमी हाई स्कूल आसानी से यह मैच जीत जाती है। जिन, जो कि मैच से पहले काफी घबराया हुआ था, मैच के बाद तो वो वापस से पहले की तरह जीवंत और खुश मिजाज बन जाता है। वीडियो के अगले पार्ट के लिए कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। साइन आउट।